सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज के हेडलाइन पर। मेरठ में मेला चलाने की जिद पर पड़ोसी को मारा चाकू, बंदर कहाँ जाएगा, यात्रियों ने समोसा देकर बिगाड़ा है। मथुरा में हेमा मालिनी, नवाजुद्दीन के भाई ने अमर उजाला पर ठोका 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा। अब खबरें विस्तार से। मेरठ के शिवपुरम बाग में रहने वाले सुधांशु ने अपने पड़ोसी राजू को चाकू मारकर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया है। दरअसल गुरुवार रात सुधांशु के पड़ोसी राजू ने उसकी भाभी से सिकरी मेला चलने की जिद की थी, जिसके मना करने पर झगड़ा शुरू हो गया था। इसी बीच सुधांशु ने राजू पर हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश के मथुरा से सांसद हेमा मालिनी लोगों को बंदरों से होने वाली परेशानी से जुड़े सवाल पर कहा है, यह सह अस्तित्व है ना, बंदर कहाँ जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि आने वाले यात्रियों ने समोसा व फ्रूटी देकर बंदरों को बिगाड़ा है और बंदरों को सिर्फ फल देना चाहिए था। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई शम्स नवाज सिद्दीकी ने अमर उजाला के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा किया है। जानकारी के मुताबिक महिला के प्रति शम्स का व्यवहार आपत्तिजनक था, जिसके कारण कई अभिनेत्रियां नवाजुद्दीन से दूरी बना रही थी। शम्स ने प्रकाश को टैग करते हुए उसकी पत्रकारिता को बकवास बताया था। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।